कलेक्टर रानू साहू ने न्यू कोरबा और जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर रानू साहू ने आज कोरबा जिले के बड़े निजी नर्सिंग होम न्यू कोरबा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दोपहर में दल बल के साथ अस्पताल पहुंची कलेक्टर ने न्यू कोरबा अस्पताल में आग से सुरक्षा के इंतजाम और आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विशेष रूप से जांच की। इस दौरान रानू साहू ने अस्पताल में लगे इमरजेंसी स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम की भी जांच की। उन्होंने अस्पताल कर्मियों से प्रबंधन की मौजूदगी में अखबार से धुआं कराकर स्मोक डिटेक्टिंग डिवाइस पर धुआं कराया। स्मोक डिटेक्टिंग डिवाइस अक्रियाशील और खराब मिला। धुएं के बावजूद भी इस डिवाइस ने धुएं की पहचान नहीं की और न ही इससे किसी प्रकार के इमरजेंसी सायरन की आवाज नहीं हुई। कलेक्टर ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और न्यू कोरबा अस्पताल संचालक डॉक्टर चंदानी को एक सप्ताह के भीतर इसे सही कराकर कार्यशील करने के निर्देश दिए। उसके बाद कलेक्टर रानू साहू ने जिला अस्पताल औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में फैली गंदगी तथा साफ सफाई की कमी को लेकर अस्पताल अधीक्षक के प्रति गहरी नाराजगी जताई। रानू साहू ने अस्पताल में तत्काल सफाई व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। निगम कमिश्नर कुलदीप शर्मा होमगार्ड कमांडेंट पीबी दीदार के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। कलेक्टर ने 11 वार्ड में जाकर मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था देखी। साथ ही उन्होंने मरीजों के लिए बनाए जाने वाले भोजन स्थल का भी औचक निरीक्षण किया। इस बीच किचन में गंदगी और आसपास भरे पानी को लेकर भी रानू साहू ने अस्पताल प्रबंधन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक सप्ताह में हुए अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठीक करने के निर्देश मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन को दिए। इंडिया समाचार के लिए कोरबा से समीर गुप्ता की रिपोर्ट। मेल फीमेल वार्ड्स है और आपके आईसीयू है, बर्न यूनिट, इनका निरीक्षण किया है। यहाँ सैनिटेशन की साफ सफाई की कमी है। दूसरा, डीन भी यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसा पता चला है कि महीने में एक आध दिन ही आते हैं। और कई पेशेंट्स ऐसे भी एडमिट हैं जिनका इलाज के लिए जो है 3 दिन से वो डॉक्टर्स को बोल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के कारण नहीं हो पा रही हैं। तो डीन को बुला के इसमें चर्चा की जाएगी कि किस कारण से ये है। साफ सफाई की भयंकर कमी है यहाँ, बहुत ज़्यादा अभाव है, तो इसके लिए भी निर्देशित किया है। मतलब जो नया वार्ड बने हैं, वार्ड जो आईसीयू बने, उसके आपने निरीक्षण के क्या पाया, वहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं और साफ सफाई है? अभी आईसीयू में भी जो है हम लोगों ने जीवनदीप समिति से आईसीयू काफ़ी समय से बना हुआ था, लेकिन स्टाफ के अभाव के कारण फंक्शनल नहीं था। तो आईसीयू अभी फंक्शनल हुआ है और बेड हमेशा फुल रहते हैं। हालांकि साफ सफाई का उस परिसर में अभाव दिखा है और हॉस्पिटल में मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। मैडम